दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुम है किसी के प्यार में आखिर क्या हुआ है और क्या होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में आपसे एक प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर आप जरूर दीजिए। दोस्तों स्टार प्लस का सबसे धमाकेदार सीरियल गुम है किसी के प्यार मैंने टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर आने के लिए बहुत सारी मेहनत कर डाली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टीआरपी की लिस्ट में नंबर वन पर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि गुम है किसी के प्यार में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं जिन्होंने फैंस के दिमाग का दही कर दिया है। लेकिन अब फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर शक्ति अरोड़ा स्टारर गुम है किसी के प्यार में हमें देखने को मिल सकता है कि सभी नागपुर पहुंचने के लिए रास्ते से गुजर रही होती है, तभी वह कार पर एक पत्थर मार देती है जिससे उस कार का शीशा टूट जाता है। वह कार किसी और की नहीं बल्कि ईशान की होती है। सभी ईशान से नागपुर जाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन ईशान उसे लिफ्ट देने से मना कर देता है। हालांकि वैसे भी ईशान को नागपुर का रास्ता मालूम नहीं होता है। वह आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी उसको मना कर देती है। अब ऐसे में ईशान मजबूरी में उसे साथ लेकर जाता है। वही दोस्तों हमें गुम है किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि ईशान के ख्यालों में डूबी रहती है रीवा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं खुद ईशान भी रीवा की टांग खींचने से बाज नहीं आता है। अब होता यह है कि सभी जाते जाते ईशान को बता देती है कि कार का शीशा उसने ही तोड़ा था। सभी की इस हरकत से नाराज ईशान उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन तब तक वहां बस आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब ऐसे में ईशान ठान लेता है कि वह अपनी अगली मुलाकात सिर्फ सभी से ही करेगा और उसे सबक सिखाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सही में ईशान सभी को ढूंढ पाएगा? दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या आपको सही में गुम है किसी के प्यार में का पुराना शो पसंद था या फिर ये नया वाला शो? आप कमेंट में अपना उत्तर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी नई जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए।